उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अधिसूचना जारी कर 14 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं, जिसमें आगरा के डीएम प्रभु नारायण सिंह का नाम भी शामिल है। आगरा के जिला अधिकारी पद पर तैनात प्रभु नारायण सिंह का स्थानांतरण लखनऊ में राजस्व विभाग के प्रभारी सचिव के रूप में किया गया है। वहीं मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत चहल को आगरा का जिलाधिकारी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 14 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए हैं। इन ट्रांसफर्स में लंबे समय से जिले की कमान संभाल रहे आईएएस अधिकारी शामिल हैं। आगरा में लंबे समय से तैनात जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह को लखनऊ में राजस्व विभाग में प्रभारी सचिव पद पर तैनात किया गया है। वहीं आगरा की कमान मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत चहल को दी गई है। प्रभु नारायण सिंह 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उनका आगरा में लगभग 2 साल का कार्यकाल रहा है। इस दौरान प्रभु नारायण सिंह ने अपनी कार्यकुशलता के चलते तमाम सामुदायिक और जातिगत झगड़ों पर कंट्रोल किया है और कोरोना काल में खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी जनता के हित के लिए हमेशा डटे रहे हैं। वहीं कई बड़े मामले और बयानों की वजह से प्रभु नारायण सिंह मीडिया की सुर्खियों में छाए रहे। अब आगरा की कमान प्रभु नारायण सिंह के बाद नवनीत चहल को दी गई है। नवनीत चहल 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनका 14 मई 1984 को हरियाणा के पानीपत में जन्म हुआ है। 12वीं में टॉप करने के बाद चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और न्यूयॉर्क में लगभग 3 साल तक फाइनेंशियल एनालिस्ट के पद पर कार्य किया, जिसके बाद वे अपने देश लौट आए और यूपीएससी वर्ष 2011 की परीक्षा पास कर सिविल सर्विस में अपनी जगह बनाई, जिसके बाद नवनीत चहल को पहली पोस्टिंग बहराइच जिले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर हुई। उसके बाद उन्हें मेरठ, झांसी, अमरोहा में भी तैनाती मिली। अपने सरल स्वभाव, हेल्पिंग नेचर की वजह से नवनीत चहल लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रहते हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।